लूट मत लगी, उस संपत्ति को उन्होंने लिया और अगले दिन महल को उड़ाने का निश्चय किया गया। इसी दौरान जब वो तोपे लगाई समय वहां पर एक बरामदे में एक कन्या कन्या आई उपस्थित हुई और कन्या बहुत ही खूबसूरत और सुंदर और अल्प वयस्क यानी कि कम उम्र की कन्या थी, कम उम्र की कन्या थी। उसको देखकर सभी लोग बहुत चक्के रह गए और अचंभित रह गए, और अचंभित इसलिए रह गए क्योंकि एक दिन पहले जब इस महल को लूटा गया था उस वक्त ये कन्या कहीं दिखाई नहीं दी थी, लेकिन आज जब महल को उड़ाने का की प्रक्रिया की जा रही थी, तोपे लगाई जा रही थी, तो अचानक से ये कम अल्प वयस्क कन्या कहाँ से उपस्थित हो गई, ये देख के सभी लोग भौचक्के रह गए। तो उस कन्या ने उत्तर दिया, उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। यहाँ पे जो जनरल थे, जनरल हे थे, उस कन्या को देखकर पूछने लगे कि तुम क्या चाहती हो। उस कन्या ने विशुद्ध अंग्रेजी में उत्तर दिया कि क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे। तो उन्होंने जनरल हे जानना चाहते थे कि आखिर तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। कन्या ने उत्तर दिया कि आप ही बताइए कि इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने इस आपके खिलाफ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठाए थे, शस्त्र उठाए थे, वो तो यहाँ से भाग चुके हैं। अब इस निर्जीव महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसकी रक्षा करें। तो सेनापति दुख ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि देखिए, मैं जिस सरकार का इस महल को नष्ट कर दिया जाए, आवाज कट रही है, और मैं आपकी पुत्री मैरी की सहचरी हूँ यानी कि मित्र हूँ, और आपकी हाँ आपकी पुत्र बोलिए आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही क्लियर। ओके मैम, वॉइस क्लियर, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस मैम, आपकी वॉइस कट रही है मैम, आपकी कुछ नहीं, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस कट रही है आपकी। नलिनी मैम जी, रीता मैम, मैं सुन रही हूँ आपको, आपकी वॉइस कट रही है। हाँ मैम, शायद आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना, इस कारण से बच्चों को हमारी वॉइस ही नहीं पहुंच पा रही। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ता मैम, रिकॉर्डिंग पहले भी हुई थी क्लासेस में, ये कुछ नेटवर्क इश्यू है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। आप अपना माइक तो अपने पास अच्छे से करिए तो शायद आ जाए आवाज बच्चों को। स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम, स्टार्ट करें हम। मैं अब आपकी आवाज भी आने लगी, आने लगी। ओके ओके, ये बड़ा इशू बार बार बीच में हो जाता है नेटवर्क। मैम आवाज आ रही है क्लियर, मैं अब नहीं आ रही, मैं आपकी अब वॉइस नहीं आ रही है मैम, कुछ बोल नहीं रही है ऐसा। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों?
यस मैम यस मैम आवाज आ रही है आपको? यस मैम यस मैम ठीक है। बीच बीच में लग रहा है डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, समझ में ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं ओके मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं तुम मेरी पुत्री की सहचरी हो, लेकिन मेरी व्यवस्था क्या है कि मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा में नहीं डाल सकता, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। जब वो ये बात कर ही रहे थे उसी वक्त प्रधान सेनापति आउट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि अब तक जनरल हे ने नाना साहब का महल नहीं उड़ाया है, यानी कि तोपों को से नहीं उड़ाया है। तो ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अभी तक काम को कार्य को अंजाम क्यों नहीं दिया गया। तो उन्होंने जनरल हे ने कहा कि देखिए मैं इसी फिक्र में हूँ, तो क्या इस महल की रक्षा हो सकती है? तो उन्होंने कहा बिना गवर्नर जनरल की आज्ञा से कुछ भी निर्णय लेना असंभव है। और ये सुनकर जनरल हे वहां से दुखी मन से चला गया और आउटरम ने फाटक तोड़कर सिपाहियों को भीतर घुस जाने की आज्ञा दी और उस कन्या को खोजने लगे, किंतु महल का कोना कोना छान मारा लेकिन मैना कहीं दिखाई नहीं दी। उसी दिन संध्या के समय लॉर्ड केनिंग का तार आया जिसमें ये लिखा गया था कि तक मिटा दिया जाए और उनके विरुद्ध कोई भी अन्य आदेश का पालन नहीं ही हो सकता। उसी क्षण पूर्व जनरल आउट्रम ने उस विशाल राज मंदिर पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए और वो महल जो है मिट्टी में मिला दिया गया। उसी शाम को सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह लेख लिखा और जिसमें कि जनरल हे का बहुत मजाक बनाया गया था और उन पर यह लांछन लगाया गया था कि जिस जनरल हे ने अपना पूरा जीवन युद्ध क्षेत्र में बिता दिया हो वो जीवन के अंतिम क्षण में एक मराठी कन्या के रूप पर मोहित हो गए और उसको बचाने का प्रयास करने लगे। और ये कहा गया कि इस कन्या को जिससे जनरल हे का प्रेमालाप हुआ है उसे कैद कर लिया जाए और उसे उनके ही सामने फांसी पर लटका दिया जाए। इस प्रकार का लांछन जनरल हे के चरित्र पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगाया गया, जबकि आप जानते हैं कि वो उसके कन्या के प्रति उनका पुत्रीवती व्यवहार था, वो क्योंकि उनकी अपनी पुत्री की मित्र थी इस कारण से उसके ऊपर उनको थोड़ा प्रेम थोड़ा इसने उमड़ आया था, लेकिन उनकी इस भावना का गलत अर्थ निकालकर उनके ऊपर उस कन्या के साथ प्रेमालाप का लांछन लगाया गया। ठीक है बच्चों, उस जब ये महल ध्वस्त कर दिया गया उसी रात्रि को अधरात्रि के समय चांदनी रात थी और देखा कि एक स्वच्छ कपड़ों में एक बालिका वहां पर रोदन कर रही है, जो भग्नावशेष थे प्रसाद के महल के उस पर बैठी एक बालिका रुदन कर रही है। जब सब सैनिकों ने ये रुदन की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, तो सैनिक वहां आ गए और जनरल आउट्रम भी आ गया और उसने तुरंत उस बालिका को पहचान लिया और कहा इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो निर्भीक बालिका, साहसी बालिका एक पल के लिए भी नहीं डरी और ना ही उसने आउट्रम के किसी बात का उत्तर दिया। उसने केवल एक विनती की, उसने कहा कि उस समय के लिए मुझे इस महल पर बैठकर रोने दिया जाए। लेकिन पाषाण हृदय आउट्रम ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा नहीं किया और उस कन्या को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उस महाराष्ट्र इतिहास वेता इतिहासकार चिटनवीरिस के पत्र वाखर में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ जिसमें नाना की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में उस शांत और सरल मूर्ति बालिका को सभी ने देवी मानकर प्रणाम किया। तो बच्चों आपको समझ में आया, नाना साहब की एक कन्या जो बहुत कम आयु की थी, अल्प वयस्क थी, उसने किस प्रकार से अपने देश के लिए बलिदान दिया। क्यों न दे, क्योंकि वो नाना साहब जैसे क्रांतिकारी की पुत्री थी और उसके अंदर भी वे सारे गुण थे जो नाना साहब के अंदर थे। वो निर्भीक थी, वो साहसी थी, वो देश प्रेमी थी और उसके साथ साथ
वो निडर थी बिल्कुल, बिना डरे उसने अंग्रेजी सेना का सामना किया। अपनी बात को, कितनी बड़ी सेना किसके सामने थी, लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने अपने उस महल को बचाने के लिए प्रस्ताव रखा। उस महल से उसका अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि उसमें उसका बचपन बीता था इस कारण से, और क्योंकि उस महल का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। महल तो एक निर्जीव वस्तु थी। उसका कहना था कि जिसने शस्त्र उठाए थे वो यहाँ से जा चुके हैं, अब इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस तरह की वार्तालाप कोई एक निडर और साहसी बालिका ही कर सकती है। तो ऐसी साहसी और निडर बालिका ने अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और आज भी वो देवी के समान पूजी जाती है। ठीक है बच्चों, कहानी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, यस मैम। ओके, यहाँ पे कहानी का अंत होता है बच्चों। दो दिन कहानी आपको हमने सुनवा दी और आप एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्या हम आपसे अब नलिनी मैम, नलिनी मैम, यस मैम, अब आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं क्योंकि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई है। मैम ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो हमारे कंप्यूटर लैब से हो रही है, तो इसमें ना मेरा कोई रोल नहीं है मैम। ओके ओके मैम, कोई बात ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने हमने सोचा कि आप कर रही हैं तो क्योंकि चैप्टर तो एक्सप्लेन हमने कर चुके हैं ना, तो रिकॉर्डिंग अब खत्म हो जाती। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं बच्चों। अच्छा, अब हम आपसे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आपको कितना समझ में आया कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दे, क्या उसने तर्क दिए? वो महल की रक्षा करना चाहती थी और महल की रक्षा करने तो के लिए मैम, पहले तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने अंग्रेजों का संहार किया था वो तो है नहीं, तो इस महल ने उनका क्या बिगाड़ा है, तो इसका विध्वंस क्यों हो रहा है, इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये तो निजी वस्तु है। हाँ, और फिर उसने अपनी मैरी के बारे में बताया कि मैं उसकी सहचरी हूँ और आप भी आप मेरे घर आया करते थे और मेरी वो सब और मैम वो कहती है कि इस मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये स्थान मेरे बहुत प्रिय है तो आपकी रक्षा कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, इस पहल को वो क्यों बचाना चाहती थी? पुरानी यादों से उसकी जुड़ी हुई थी। बचपन से वहीं पे रही थी। हाँ, वो बचपन से वहीं पे रही थी। उसको महल प्रिय था क्योंकि उसकी बचपन की यादें उस महल से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उस महल को बचाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो नाना साहब का महल था ना, और नाना साहब एक विद्रोह माने जाते थे अंग्रेज सरकार में। यस मैम, मुस्कान कर दो, मुस्कान एक करके उत्तर दीजिए। देखिए, yes, जब एक बच्चा बोले तो दूसरा बच्चा चुप हो जाए, क्योंकि इस तरीके से किसी की भी बात हमारी समझ में नहीं आती है। ओके हमारी yes, किसी की भी बात समझ में नहीं आती है, जब एक हाँ तो जब एक बच्चा बोले तो दूसरा बच्चा कृपया चुप हो जाए, ताकि हम एक, और वो जब चुप हो जाए तो दूसरा। हाँ बताइए, वो मैं जो महल था वो नाना साहब का था, और अंग्रेज सरकार उस टाइम पे नाना साहब को विद्रोही मानती थी, तो उसको उड़ाने का वो दिया था, हुक्म दिया था कि इसको उड़ा दिया जाए क्योंकि विद्रोही का घर है। क्या नाना साहब विद्रोही थे बताइए? नहीं मैम, अगर अंग्रेज सरकार से माना है तो विद्रोही थे, लेकिन हमारी अगर इंडिया की तरफ से माना है तो विद्रोही नहीं थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि मतलब लड़े थे हमारे लिए। स्वतंत्रता सेनानी थे वो, लक्ष्मी लक्ष्मीबाई के भाई भी थे। हाँ, लक्ष्मीबाई के भाई भी थे, भाई थे। यस हाँ, और बताइए। अच्छा ये बताइए कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर रो लेने के लिए उसने किससे प्रार्थना की थी?
मैम जनरल आउटरम से, जनरल आउटरम से, जनरल आउटरम से। अच्छा जनरल, क्या जनरल आउटरम ने उसे परमिशन दी, इजाजत दी? नहीं मैम, नो मैम, उसने जाके देर में बंद कर दिया। मैम नहीं दिया था मैम, वो उन्होंने उसे बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, क्या करवा लिया। आउटरम ने क्यों किया था? उसे थोड़ा वक्त तो वो आउटरम दे सकता था ना, उसे लेकिन नाना की बेटी या नाना से जो भी संबंधित चीजें हैं उसको नष्ट कर दिया जाए। हाँ उसके पास और क्या सरकार की हुकुम था, हुकुम था इसके उसके मन में, और क्या डर था मैम? वो बिना दिल का इंसान था, हृदयहीन था। नहीं नहीं एक्चुअली उसको ये डर था कि जैसे एक दिन पहले वो प्रकट हुई और अचानक से गायब हो गई, ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, तो उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर कहीं गायब हो जाए, और मतलब ऐसा डर उसके अंदर रहा होगा, तो हो सकता है इसी वजह से उसने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको छोड़ने का टाइम भी नहीं दिया। और उसके पास ऑर्डर्स तो थे ही, ये उसके पास थे कि ठीक है। अच्छा बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको बहुत पसंद आई बताइए? मैम वो निडर थी, एक एक करके उत्तर देंगे। मैम वो निडर थी। वन मिनट हम आपसे पूछेंगे आपका नाम लेकर, एक एक पॉइंट बनाएंगे केवल। काकुल जैन आप बताइए बालिका मैना की कौन सी विशेषताएं आपको पसंद आई? काकुल जैन मैम वो सच्ची देश प्रेमी थी। यस यस क्या मैम वो सच्ची देश प्रेमी थी। हाँ और कौन सी दूसरा बच्चा मोहित चौहान, मोहित चौहान और उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या विशेषताएं थी उसके चरित्र की? मैम वो निडर थी, स्वाभिमानी थी, सच्ची देश प्रेमी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बताइए वो किसी के सामने बोलने से नहीं डरती थी। और बताइए क्या बता सकते हैं मैम? हाँ मैम वो निर्जीव थी, उनको भय नहीं था मैम, उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। जब मैम तो उनके आगे खड़ी थी तब भी वो महल के आगे आई और उन्होंने कहा कि इस महल को मतलब मत विध्वंस कीजिए इसका। वो निडर बालिका थी बिल्कुल, क्योंकि वो नाना साहब की पुत्री थी। नाना साहब एक वीर सिपाही थे हिंदुस्तान के, उनके पुत्री के अंदर ही वो स्वाभाविक गुण तो अपने पिता के आने ही चाहिए थे। उस अकेली बालिका ने जो बहुत कम आयु की थी इतनी बड़ी सेना का अकेले सामना किया, बिना डरे उसने जवाब दिए, सारे उत्तर दिए, उसने अपनी जितनी वो कोशिश कर सकती थी उसने पूरी कोशिश की कि वो उस महल की रक्षा कर सके। लेकिन जब वो उसमें असफल हुई तो उसने भागने का प्रयास नहीं किया, उसे छिपने का भी प्रयास नहीं किया। वो चाहती तो वो कभी वापस नहीं आती, वो जा चुकी थी, वो कभी वापस नहीं आती। लेकिन उस महल पर बैठकर वो रो रही थी, तब वो जानती थी कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन वो इतनी निडर इतनी साहसी बालिका थी, उसको अपने पकड़े जाने का भय नहीं था। और अंत में उसको गिरफ्तार किया गया, तब भी उसने कोई क्षमा याचना या कैसी और कोई बात नहीं करी। वो गिरफ्तार हुई और अगले ही दिन उसे जलाकर मार दिया गया। सोचिए इतने कम आयु के बच्चों में इतनी हिम्मत होनी कितनी बड़ी बात है ना? बड़ी बात है कि नहीं है? इतनी आप लोगों की आयु है, आप लोगों की आयु है, इतनी ही आयु रही होगी, उसको आयु निश्चित नहीं बताई गई है, लेकिन उसके लिए अल्प वयस का मतलब ही है कि बहुत कम आयु की बच्ची थी वो। लेकिन देखिए हिम्मत कितनी उसके अंदर ज्यादा थी, ठीक है ना मैम? ओके मैम। हाँ बोलिए बोलिए मैम। जो आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है चैप्टरों की, हाँ तो उसमें साखियां और शब्द वाले उसको खोलते तो उसमें कुछ नहीं निकलता। अच्छा बेटा ये आपकी प्रॉब्लम हमने जो कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने ये अपलोड करी है उनको बता दी है, ठीक है मैम? वैसे आपने वेबसाइट में कुछ डाला यस डाला है ना, हमने कुछ आंसर्स डाले थे मैम। साखियां शब्द के भी बच्चे हमने सब सारे क्वेश्चन आंसर डाले मैम। हिंदी का सिलेबस क्या और शब्द डाउनलोड हो रही है, वो ही नहीं खुल रही मैम। दो वेबसाइट नहीं खुल रही है मैम उधर। अच्छा तो साखियां और शब्द नहीं हो रहा है तो हम कल दोबारा से आपको दे देंगे,
ठीक है, हम कल वरना हमारे पास बुक भी है, बुक में से कर ले क्वेश्चन आंसर, साखियां और शब्द की क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ हमारे पास है, कल हम आपको उसके शेयर कर देंगे। ओके डोंट ओके थैंक यू मैम, बुक से का मैम बात बता दीजिए। हां ठीक है बच्चों, ओके हां तो इस चैप्टर, हां बोलिए मैम, हिंदी में भी सिलेबस हुई है या फिर कोई चेंजेस सिलेबस में? हां 4 मिनट्स आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आप लोग अनम्यूट करिए, पहले म्यूट करिए खुद को बच्चों, केवल वही बच्चा बोले जो कुछ पूछना चाहता है, तो जो कुछ प्रश्न कर रहा है केवल वो अपने को अनम्यूट करेगा, बाकी सब मैम पहले कुछ कह रही है, मैम पहले मैम कुछ कह रही है। यस मैम, मैम 4 मिनट्स आर रिमेनिंग देयर, रेनी मैम 4 आर रिमेनिंग देयर मैम, ओके मैम, ओ है ना, हम चेक कर रहे हैं कोई देख, हाँ हाँ मैम हम चेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ओके। हाँ तो आप क्या पूछना चाहते थे बच्चों? मैम हिंदी का सिलेबस में कोई चेंज है या फिर वो भी एज इट इज है, क्योंकि आज इंग्लिश का सिलेबस में, हाँ हिंदी में के सिलेबस में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन जब तक हमें स्कूल इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक हम आपको इस बात से नहीं बता सकते हैं, ठीक है? जिस दिन हमें स्कूल से इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे तभी हम आपको ये बात शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना? तो 100% कुछ कोर्स जरूर कम किया जाएगा या हालातों को देखते हुए, आजकल जो माहौल है उसको देखते हुए, लेकिन अभी क्या क्या किया जाएगा इसके विषय में नॉलेज हमको नहीं है, जिस दिन हमें सूचना प्राप्त होगी हम आपको जरूर इसके विषय में अवगत कराएंगे सारी सूचनाओं से, ओके बच्चों? ठीक है, तो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर, इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं, हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, तो शब्द अर्थ में है, पहला शब्द अर्थ है इस इतिहास वेता, आप लोग का जानकार, हाँ इतिहास का जानकार, द्रवीभूत का मतलब है द्रवीभूत, दयाद्र, ठीक है, हाँ भग्नावशिष्ट का अर्थ है खंडहर, खंडहर भग्नावशिष्ट का अर्थ है, हाँ अल्प वयस्क का मतलब है कम उम्र, अल्प वयस्क अर्थात कम उम्र, हाँ कम आयु, विद्रोह का मतलब है बगावत, बगावत हाँ, और निर अपराध है जिसने कोई अपराध निर अपराध अर्थात जिसने कोई अपराध न किया हो, वास स्थान का मतलब है रहने का स्थान, वास स्थान का मतलब है रहने का स्थान, आर्थ का अर्थ है आर्थ का अर्थ है दुखी, और विध्वंस का अर्थ है नष्ट करना, विध्वंस का अर्थ है नष्ट करना, और प्रसाद का अर्थ है महल, और निरीह का अर्थ है बेचारा। वर्ड मीनिंग हमें वो पोर्टल पे भी मिलेंगे ना, हाँ, वो लिंक आपने भेजा है, हाँ वर्ड मीनिंग आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के बाद वर्ड मीनिंग भी जरूर लिख रहे हैं हर चैप्टर के, समझ में आ गई है बच्चों? ये वर्ड मीनिंग मैम लिंक पे भी अपलोडेड है ना, अगर हमारा कोई छूट गया जैसे, हाँ सब है, सब है बच्चों, ठीक है ओके। तो टाइम अप हो रहा है बच्चों मीटिंग का, तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, कोई मीनिंग, कोई वर्ड मीनिंग, कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कल हम इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? और इसके बाद हम चैप्टर आपका लेंगे व्याकरण ले लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, आपके व्याकरण में दो हो चुके हैं ना, अलंकार और वाक्य भेद, वाक्य भेद, अब हम लेंगे आपका पीडीएफ में भी है, नहीं है पीडीएफ है वाक्य भेद की, ओके मैम, नरेंद्री मैम,